अस्सलाम वालेकुम, फाइक की बात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर एक नई स्टोरी के साथ। अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि खलीफा अब्दुल रशीद एक अपने गांव से बहुत दूर एक शहर में जा रहे थे और उन्हें उस जगह पर बहुत रात हो चुकी थी। वो वहाँ पर बहुत परेशान हो गए, उस इलाके से वो वाकिफ़ भी नहीं थे कि अब मैं कहाँ पर रुकूँ। वो एक उन्होंने एक मस्जिद खुली देखी और वो उसके अंदर चले गए। जब वो उस मस्जिद के अंदर गए तो वो वहाँ पर जाकर सो गए, मगर उस मस्जिद का जो चौकीदार था वो जाग गया और उसने आकर उन्हें बाहर निकाल दिया। वो फिर जाकर मस्जिद के रैंप के ऊपर सो गए, उसने वहाँ से उन्हें टांगों से घसीट कर रोड पे फेंक दिया। उस चौकीदार ने बहुत गलत किया, अगर वो खलीफा साहब को नहीं जानता था मगर उसे इंसानियत के तहत उनका ख्याल करना चाहिए था और उन्हें मस्जिद में सोने की इजाज़त देनी चाहिए थी, क्योंकि मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है, वहाँ पे हर इंसान को जाने की इजाज़त होती है। मगर क्या था कि रात को एक अल्लाह का नेक बंदा वहाँ पर गुज़र रहा था, उसने उन्हें देखा और अपने घर ले गया। घर जाकर उन्हें सुलाया, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें कहा कि आप सो जाएं, आराम करें। वो इंसान अपनी ज़ुबान पर अस्तगफार का विर्द बहुत ज़्यादा रखता था। उन्होंने एक दफ़ा वो कुछ अरसा उसके घर पर रुके और उनसे एक दफ़ा पूछा कि आप ये अस्तगफार का विर्द तो इतना ज़्यादा रखते हैं, आपको कोई इसका फ़ायदा भी हुआ है? उन्होंने ये कहा कि मुझे इसके बहुत फ़ायदे हुए हैं, मेरी हर दुआ इसलिए कबूल हो जाती है, मगर एक दुआ अभी तक रहती है। उन्होंने पूछा वो क्या? उनका कि मैं अपनी ज़िंदगी में खलीफा अब्दुल रशीद से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं वही हूँ। जब वो उसको ये पता चला और वो इतना खुश हुआ उनसे मिलकर और उसने उनको अपने घर में ही रख लिया और उनकी इतनी खिदमत करता था, क्योंकि वो उनसे मिलना चाहता, एक दफ़ा ज़िंदगी में अपनी ज़रूर मिलना चाहता था, उसकी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश थी और अल्लाह ताला ने उसके पास उनको खुद ही भेज दिया। इसलिए हमें किसी चीज़ का एम कर लेना चाहिए, वो हमें एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर हम किसी चीज़ का एम कर लें एक दफ़ा तो वो हमें ज़रूर एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी इंसानियत का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह की मखलूक से जो प्यार करता है अल्लाह उसके साथ प्यार करता है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।